सच के रास्ते पे चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस रास्ते पे चलकर कोई अफसोस नहीं होता। सही कहा। आज तक सुना था कि सच कड़वा होता है, बट यहां तो स्केरी और डेंजरस दोनों है। तुम्हें डरा रहे क्या? इट्स नॉट इजी फॉर अस यार। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि आप दोनों जो करने वाले हो उसके लिए काफी करेज चाहिए। रात से पहले मैं सिर्फ आपकी दाढ़ी का फैन था और आपके बालों का, बट मैं आज आप दोनों की ऑनेस्टी का बहुत बड़ा फैन हो गया यार। ऑल द बेस्ट। जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन। मैंने हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। आने का लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। बहुत मुश्किल से दिल में हिम्मत और होठों पे सच आया है, बोलने दो आने का। यू नो मैंने तुमसे वो कहानी कही थी लाल ड्रेस वाली लड़की को लिफ्ट देने की, वो सच नहीं थी। मैंने वो कहानी बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो कहानी सच हो गई। गौरी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं रख सकते, अभी हम बहुत बिजी हैं ओमकारा जी, बहुत सारा काम है, केटरिंग की सारी जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है और पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो फिर हमें खुद को प्रूव करना है, ठीक है? हमें टेंशन हो रहा है, टेंशन के मारे सारी चिड़ैयाएं उड़ी हुई है हमारी। गौरी गौरी सब हो जाएगा, बट प्लीज मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बोलिए ना, हम सुन तो रहे। देखो एक्चुअली क्या है ना, हम ये जो मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पूरी बात सुन के रिएक्ट करना, पहले रिएक्ट मत कर देना। बोली बोली सुन रहे। एक्चुअली हम जब गोवा जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमने कुछ ड्रिंक्स ले लिए और उन ड्रिंक्स में ओके श्योर या थैंक यू। सॉरी। आप हमें सॉरी बोल रहे हैं? हाँ। आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है ना? एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? गोवा ट्रिप के बारे में। एक्चुअली उस ट्रिप में एक लड़की मिली थी। एक मिनट, आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं तुमको बताना चाहता हूँ इसलिए। आपको कोई भी मिलता है, आप उसके साथ कहीं भी जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, उससे हमें क्या मतलब है? वैसे भी आपको हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों गोवा गए, हमें एक लड़की मिली जिसे हमने लिफ्ट दी, और वो लड़की पिया थी। पता नहीं उसने हमारी ड्रिंक्स में क्या मिलाया, और हमें होश नहीं रहा। जब आंखें खुली हम तीनों को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। कुछ तो हुआ था, लेकिन आई स्वेयर कुछ याद नहीं था, सही गलत कुछ याद नहीं था। अगर मैं होश में होता ना, ये गलती बिल्कुल नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ का। लेकिन हाँ, गलती हुई है मुझसे। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुमसे झूठ कहा है। I'm really sorry अनिका। Sorry. अरे इसने तो सच में अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। इसका मतलब लोग ड्रामा नहीं कर रहे थे, और अगर इनकी बीवियां इन पे इतना ट्रस्ट करती है तो वो गलत नहीं है। इन्होंने वो ट्रस्ट कमाया है।
ड्रिंक से याद आया, कौन सी ड्रिंक थी जल्दी बता दीजिए, आज की लिस्ट में ऐड कर देंगे। बताइए जल्दी कौन सी वाली ड्रिंक थी। नहीं ऐसी वैसी कुछ नहीं, बस नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक ही थी। अच्छा कोल्ड ड्रिंक थी ना, हाँ वो तो डाली हुई हमने लिस्ट में, काला खट्टा और नारंगी वाली भी, पर हम सोच रहे एक और शरबत ऐड कर ले, कौन सा वाला, बादाम या खसखस। गौरी 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 प्लीज दो मिनट पार्टी को भूल जाओ और मेरी बात पे ध्यान दो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सुन रहे हैं ओमकारा जी, पर काम भी तो करना है, जरूरी है ना। एक्चुअली क्या है ना, वो ड्रिंक्स में ना किसी ने कुछ मिला दिया था और वही तो आजकल ना मिलावट का इतना जमाना है ओमकारा जी, तभी तो हमें डर लग रहा है ना कि हम देख परख के खुद ही जाए और सब अच्छे से हो। परी प्लीज बात सुन लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अरे सुन रहे हैं हम, सुन तो रहे हैं लेकिन काम भी करना है, जरूरी है, सुन रहे हैं, बोलिए। अच्छा क्या ना, वो ड्रिंक्स लेने के बाद फिर हम होटल से याद आया, बताइए होटल में आपने क्या क्या खाया था, कुछ नया ट्राई किया था, कौन सी वाली सब्जी खाई थी। तो आज हम पार्टी में कुछ ट्राई कर सकते हैं ना नया, क्योंकि पुरानी चीजें तो हम वैसे ही रखते हैं हमेशा होटल में, है ना। तो आप बता दीजिए गौरी प्लीज। हाँ दो मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। अरे समझ रहे समझ, आ गए तुम लोग लेट चिरौटे, हटिए जरा, हमें समझाना है सब, बहुत सारी चीजें समझानी है, निकल जाइए। गौरी मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, मैं क्या करूँगा। तुम सही कह रही हो, हमें एक दूसरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बीच कुछ है ही नहीं। Exactly. वैसे भी बॉस अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। पता है। But you know what? हमें नहीं पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप जैसे भी थे पर ऐसे तो नहीं थे, और हमें नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया है जिसने आपको इतना बदल दिया। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, तुमने क्या किया। मिस भव्य प्रताप राठौर, तुमने मेरा दिल तोड़ा। हमने तुम्हें हमेशा से पता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तुम जहां जहां जाती थी मैं पीछे पीछे चलाता था, अपना गुस्सा अपनी ईगो अपनी तड़ी को साइड पे रख के तुम्हारे मना करने के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बिना। क्यों क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हमारे बीच कुछ है। हाँ मैं उसको नाम नहीं दे पाया, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी था, वो दोस्ती से बढ़कर था। पर शायद तुम शायद मजाक कर रही थी, तुम्हारे लिए वो एक टाइम पास था, इसलिए मेरी फीलिंग्स की कदर किए बिना तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे इंसल्ट किया, मुझे मेरी सोच को घटिया बोला। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और उस मानव से शादी की। अब मैं बोल सकती हूँ? तो आपने अभी तक जो कुछ भी कहा मैंने सुना नहीं। एक सेकंड, इतना कुछ कहा तुमने, कुछ नहीं सुना। नहीं सुना कैसे मतलब कैसे? आप मुझे बोलने का मौका दिया आपने, मेरे मुंह पे अपने हाथ रख दिया, ऐसे एकदम घुस गए आंखों में, मैं कैसे बोलती। वैसे कुछ इम्पोर्टेंट बात ही कर रहे थे आप, बड़ी सीरियस किस्म का आपका चेहरा दिख रहा था, क्या हुआ क्या है? छोड़ो यार तुम। और ये फुंत्रू लगा रखे थे। हाँ ये यू मीन एयरफोन्स आने का, तुमने कुछ भी नहीं सुना, ये एयरफोन्स लगा के क्या कर रही थी तुम? हाँ कैसा सवाल है, मतलब ये लगा के इंसान क्या करता है, फुंत्रू लगा के गाने सुनेगा ना, वही सुन रही थी। एक सेकंड आने का, हमारी लाइफ में यहाँ इतना केओस चल रहा है और तुम गाने सुन रही थी। सुन नहीं रही थी मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, शिवाय आज दादी का बर्थडे है, गाना तैयार करना है, ना मुझे गाने के स्टेप्स लर्न हुए हैं अभी तक, ना मुझसे गाना याद हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं हो रहा, इससे तुम्हें लगा के घूम रही थी।
अरे बेटे की, मुझे तो उनके साथ बैठ के वो गेस्ट लिस्ट तैयार करनी है। मैं निकली। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ जी आई आंटी। कहना था यार शादी, हम भी मानव से शादी। अरे मुझे नहीं जाना, तुमने फैसला क्यों लिया भव्या? नहीं जानना। हमने ये फैसला आपकी ऐसी हरकतों के कारण लिया। I can't believe आपको अभी तक भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। आपको लगता है कि हमारी गलती थी? हाँ तुम गलत हो, यही सच है। तुम गलत हो, तुम गलत थी और तुम हमेशा गलत रहोगी। तो ठीक है ना, है हम गलत, कर दी हमने गलती, हमने कर ली शादी, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? वैसे भी ना हमारा रिश्ता कहीं पहुंचने वाला नहीं था। आपको हमारे बड़े होने से प्रॉब्लम थी और हमें आपके इस बचपने से। हमारी एज तक तो आपसे हैंडल नहीं हुई, रिश्ता क्या आप खाक हैंडल करते? अगर ये पेन ड्राइव किसी के हाथ लग गया तो इसका मिसयूज हो सकता है। इससे पहले तो यही होगा कि मैं उन लड़कों को ही वापस दे दूं। कहाँ जा रही हो? वापस। क्यों? क्योंकि मेरा अभी यहां कोई काम नहीं। तुम पागल हो गई हो? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था वो काम अभी तक हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। What do you mean? शिवाय ने खुद ही अनिका को सब कुछ सच बता दिया गोवा के बारे में। वो लोग सच में अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहते। अब मुझे पता चला क्यों अनिका और गौरी लोगों पे इतना ट्रस्ट करती है। मैं नहीं मानती। गौरी और अनिका को अपने पतियों की वफादारी पर बहुत घमंड है, लेकिन मैं इस घमंड को चकनाचूर करके रहूंगी। मैं जा रही हूँ क्योंकि हारी हुई बाजी को जीतने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, दोबारा ट्राई करेंगे। सच तो पता नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सच पूरा सच नहीं है। ये लो, उस एनएमएस की लास्ट रिकॉर्डिंग। तुम ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें क्यों दे रही हो? क्योंकि मेरे को अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे फोन में भी जो रिकॉर्डिंग थी मैं उसे डिलीट कर चुकी हूँ। अब बस ये इसकी लास्ट कॉपी बची है। आप तीनों को एक साथ जो करना है कर लीजिए। अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये वीडियो खुद हमें क्यों दो। क्योंकि मेरे को लगा था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, पर जब मैंने तुमको अपनी बीवी को सच बताते हुए सुना तब मुझे रियलाइज हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है। मैं हैरान थी कि अनिका और गौरी तुम लोग पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं, पर अब मुझे पता चला कि तुम लोग ने वो ट्रस्ट कमाया है। अब तुम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं जा रही हूँ। वैसे भी तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने ही तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक कर दी थी। तुम लोग तो सिर्फ नशे में ऐसा डांस कर रहे थे और कुछ नहीं। एक सेकंड, लेकिन तुमने ये क्यों किया और किसके कहने पर किया? वो सब जाने दो, वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है और अब मैं जा रही हूँ तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। हो सके तो मुझे तुम लोग माफ कर देना।
बेटा, हमारी दादी कहती है कि कोई अगर माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए, और क्योंकि आज दादी का बर्थडे भी है, हम तीनों को अच्छा लगेगा अगर तुम उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस इस फैमिली का हिस्सा बनो, जॉइन अस। मैंने तुम लोग साथ इतना बुरा बर्ताव किया और तुम लोग फिर भी मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, अपने फैमिली फंक्शन के लिए रोक रहे हो। बेशक जो तुमने किया वो गलत किया, लेकिन तुमने अपनी गलती सुधारी भी है। तुम लोग सच में बहुत अच्छे लोग हो, काश दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही होते। चलो अच्छा हुआ आप दोनों बच गए। तू भी तो बच गया। मेरी कोई बीवी थोड़ी है कि मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करना पड़े। अच्छा जी, फिर वो भव्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? You're right. मैंने भी नोटिस किया। मैं गया था भव्य से बात करने पर, वो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। शायद आप लोगों को ऐसा लगा क्योंकि आप लोगों के माइंड में ऐसा चल रहा है ना। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू उस सच से भाग रहा है जो तेरे दिल में चल रहा है। एनीवे जो भी है बता दे यार, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट? तेरे और भव्य के बारे में। उसके लिए हमारे बीच कुछ होना भी तो चाहिए। कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये अपने आप कभी नहीं समझेगा और इसे कोई समझा भी नहीं सकता। एनीवे थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। और अच्छा हुआ कि मैं गौरी को कुछ बता नहीं पाया। वो पहले इतनी परेशान थी, अगर बता देता ना तो और परेशान हो जाती। मैं भी थोड़ा रूड हो गया था अनिका के साथ। तो भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं। हम यहाँ क्यों रुके? क्योंकि मुझे इतने लंबे सफर की आदत नहीं है। And I need to relax. मैडम क्या दूँ आपको? दो कप चाय। जी मैडम। Hey, तुम हर वक्त इतना सीरियस क्यों रहते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? लाइफ को एंजॉय करना सीखो और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और कंपनी भी इतनी बुरी नहीं है। मैं फ्रेश होके आती हूँ। कहाँ फंस गया हूँ यार? उन्नाव इंडस्ट्रियल एरिया हो ना हो, कल्याणी मिल्स का उन्नाव यूनिट इसी इंडस्ट्रियल एरिया में होगा। इसका मतलब हो सकता है कि वो सुपरवाइजर भी मुझे यहीं मिल गए। आई शुड गो एंड चेक। अरे ये कहाँ चला गया? कहीं चुपचाप खिसक तो नहीं गया? मैडम पानी। बहुत हो गया, लगता है इसे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। We'll be right back.
हुए हैं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।